अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और दानिशमंद टीम में आप सबको खुशामदीद। आज हम बात करेंगे सरवर मोहम्मद हुसैन शहीद के बारे में। पाकिस्तान की तारीख के वो पहले और वाहिद सिपाही हैं जिनको निशान हैदर दिया गया। इससे पहले ये एहसास सिर्फ और सिर्फ ऑफिसर्स के हिस्से में आया था। जंग में आपकी बहादुरी और शुजात को देख कर, आपको अपने वतन के लिए मोहब्बत में पड़ा हुआ देख कर, आपको इस एजाज से नवाजा गया। सरवर मोहम्मद हुसैन ढोक पीर बकर रावलपिंडी में पैदा हुए। अब आपके एजाज में इस ढोक को का नाम बदल कर ढोक मोहम्मद रख दिया गया है। आपका तलक एक गरीब घराने से था। आपके वालिद खेती बाड़ी किया करते थे। आपने अपनी तालीम गुजर खान के एक स्कूल से हासिल की, लेकिन आपका दिल पढ़ाई में नहीं लगता था। शायद यही वजह थी कि आप मैट्रिक के इम्तिहान में फेल हो गए और दोबारा इम्तिहान देने की कोशिश भी ना की। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। अब चलते हैं वीडियो की बाकी हिस्से की जानब। 1966 में जब फौज के अंदर आम भर्तियों का ऐलान हुआ और आप वहाँ अपने एक और दोस्त के साथ गए और फौज में भर्ती हो गए। 1971 में जब इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया और जंग शुरू हो गई, तो उस वक्त आपको शकड़गढ़ तैनात किया गया था। आपका काम वायरस पर बैठ कर इकाम वसूल करना था और उनको आगे बढ़ाना, लेकिन जंग में अपने साथियों की बहादुरी देखकर आपका खून भी उबाले मारने लगा और अपने ऑफिसर से जंग में बराह रास्त शामिल होने की दरख्वास्त की। आपकी ये दरख्वास्त मंजूर कर ली गई और आपको बहुत ज़्यादा खुशी हुई। 5 दिसंबर 1971 को शकरगढ़ के महाज पर दुश्मन के टैंकों और गोलियों की परवाह किए बगैर आपने सिपाहियों को हथियारों की सप्लाई जारी रखी। 10 दिसंबर को जब आपने दुश्मन के मोर्चों की तरफ बगैर किसी खौफ और डर के पास चले गए और वहाँ की इंफॉर्मेशन वापस आकर अपने कमांडर को दी, उन्होंने उनके बताए हुए नक्शे से अपनी गन की सिमत को दुरुस्त किया और दुश्मन पर हमला कर दिया। ये हमला इतना शदीद था कि दुश्मन के 16 टैंक दबाव बर्बाद हो गए। उसी दिन दोपहर के 4 बजे सरवर मोहम्मद हुसैन अपनी मशीन गन से दुश्मन पर हमला कर रहे थे। अचानक दुश्मन के एक टैंक ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी और उसकी गोलियां आपके सीने में पेवस्त हो गईं और उसी वक्त आपने जाम शहादत नोश फरमा लिया। आपकी शहादत की खबर सुनकर आपके घर में सन्नाटा तारी हो गया, लेकिन आपके वालिद ने फख्र से ये अल्फाज बोले कि मेरे बेटे ने शेर की तरह अपने सीने पर गोलियां खाई हैं। आप पाक फौज के पहले और वाहिद सिपाही थे जिन्हें पाकिस्तान का सबसे बड़ा मिलिट्री एजाज निशान हैदर दिया गया। आपकी कब्र आपके भाई इलाके टोक सरवर मोहम्मद हुसैन में है, जो कि आपके नाम से मंसूख है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़।